मैं देवकांत रुद्रकर हाई स्कूल लोफंदी बिलासपुर में लेक्चरर पद पे कार्यरत हूँ, और मैं 16 मार्च को अपने पिताजी के इलाज के लिए पुणे शहर आया हुआ था। मेरे पिताजी को कैंसर था और इस दौरान हम लोग लॉकडाउन हुआ और हम लोग यहाँ पर पे फंस गए, और 28 अप्रैल को मेरे पिताजी का कैंसर के इलाज के दौरान देहांत हो गया। और इस अनजान शहर में हम लोगों ने, मैं और मेरे बच्चे ने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया, जो कि बड़े मुश्किल से हमको करने मिला यहाँ पर पे। और हमारे कोई भी यहाँ परिचित के नहीं है, उस वजह से हमको हमारे पिताजी को कंधा देने के लिए भी लोग ठीक से नहीं मिल पाए। बहुत ही मुश्किल से और विकट परिस्थिति में उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसके पश्चात हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने घर आएं, और मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा भी थी कि अगर पिताजी का देहांत हो जाता है तो जो अंतिम संस्कार की जो कार्यविधि और इसके बाद की जो भी संस्कार की कार्यविधि है वो हम हमारे शहर बिलासपुर छत्तीसगढ़ में ही करें, पर वो भी हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ मैंने बिलासपुर जाने के लिए काफ़ी प्रयास किया हुआ है, शासन के आदेश के अनुसार मैंने सारे फॉर्म्स भर लिए, अपना मेडिकल करवा लिया, पर अभी तक के मेरे प्रयास में कोई सफलता नहीं मिली है। ये मेरे मेरा 12 साल का बच्चा है, मेरी 5 साल की छोटी बच्ची है, मेरी वाइफ, मेरी माँ, यहाँ पर हम लोग बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए हैं, और हमारे पास में अभी पैसे भी ख़त्म हो चुके हैं और हम लोग बहुत ही बुरी मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं, और हमको आने का कोई रास्ता, बिलासपुर वापसी का कोई रास्ता हमको नहीं मिल पा रहा है। हम लोग 16 मार्च को आए थे ट्रेन से मेरे दादाजी की। उस समय तबीयत ठीक नहीं थी, फिर अचानक एक दिन ऐसा आ गया कि मेरे दादाजी नहीं रहे और हम सब पूरी एक फैमिली हम लोग यहाँ पर फंस गए हैं। मेरे माता और पिता बहुत कोशिश कर रहे हैं यहाँ से मतलब बिलासपुर वापस जाने की, पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं पर वैसा हो नहीं पा रहा है। तो हम आपसे कृपा कर रहे हैं कि आप प्लीज़ हमको बिलासपुर वापस जाने की अनुमति दे दीजिए। मैं अपने परिवार के साथ यहाँ 16 मार्च को आई थी, तब से यहाँ फंसी हुई हूँ और जी जिनके लिए आई थी अब वो ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ हमारा कोई नहीं है, तो हम भी अपने बिलासपुर घर वापस जाना चाहते हैं। इसलिए मैं शासन से निवेदन करती हूँ कि हमारी अनुमति स्वीकार करें और हमें घर जाने के लिए अनुमति दें। घर जाना। मेरे पति की डेथ हो चुकी है कैंसर से, और मैं भी बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा इलाज बिलासपुर में चल रहा है, घर जाने नहीं मिल रहा है। मेरा शासन से यही अनुरोध है कि हमको प्लीज़ हमारे घर वापस आने दें और हमारे हमको अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद।